इधर बहुत जगह है, आ जाइए। निकाल के पढ़ूं? खुद ही ऐसे सुनेंगे इंशाल्लाह। जब देखूंगा कि नहीं सुनेंगे तो मैं करूंगा वो। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले अंजुमन हिदायतुल मुस्लिमीन के तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज का ये अजीमुशान जलसा, जलसे सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व इस्लाह मुआशरा मरकजी दारुल उलूम मुहम्मदिया के ये खूबसूरत सहन में दूरो दराज से आए हुए तमाम मेहमानान इकराम, सामईन हजरात, आपकी बारगाह में दिल खैराबादी मोहब्बत के साथ आपको सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं बहुत ही मोतबर, बहुत ही मौकर उस्तादुल उलमा हजरत अक्दस हजरत मौलाना बहाउद्दीन साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, और स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम अकाबिर उलमा इकराम, निजामत के फराइज अंजाम देने वाली अजीम शख्सियत जनाब हजरत मौलाना तारिक उमर साहब पूरा मारूफ। एक मतला हाजिर करता हूं अभी मुझसे कबल, फाजिल नौजवान हजरत मौलाना मक्की सुफियान साहब दामत बरकातुहुम ने एक वाक्य को आपके सामने पेश किया। वो वाक्य को मैं मतले में मैं पेश करता हूं। नसर और नज्म में यही जो फर्क होता है पेश करता हूं। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो बात कही है, मतलब पेश करता हूँ। करीमपुर घोसी की अदबी सरजमीन पर बहुत सारे अदरी से भी आए हुए हैं, उनके चेहरे पे चमक देखकर आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। सुभान अल्लाह पे पाबंदी नहीं है, मगर नकली नोट पे पाबंदी है। मैं नकली शायर नहीं हूँ, असली नोट चलेगी यहाँ पे। मतलब पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाले सुनिएगा कि मैं पैदा कि मैं पैदा अरे मैं पैदा ही हुआ हूँ मज़हब इस्लाम की खातिर। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी। ये खादिम मतला पेश करता है, जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मैं पैदा ही हुआ मज़हब इस्लाम की खातिर, मैं पैदा ही हुआ हूँ मज़हब इस्लाम की खातिर, मैं पैदा ही इस्लाम की खातिर,
मैं अपनी जान दे दूंगा नबी के नाम की खातिर। क्या कहना भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मजबूत मतलब भाई, वाह 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 वाह। की खातिर मैं पैदा ही हुआ हूँ मजहब इस्लाम की खातिर। एक तरफ पतंगे से परेशानी थोड़ी सी हो रही है, मगर समय रिसालत के परवाने मचल मचल के सुभान अल्लाह कह रहे हैं और इस्तकबाल भी कर रहे हैं। एक तरफ ये परिंदे हैं, दूसरी तरफ ये मखलूक है। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाले कि मैं पैदा ही हुआ हूँ मज़हब इस्लाम की खातिर, मैं पैदा ही हुआ हूँ मज़हब इस्लाम की खातिर, मैं पैदा ही हुआ हूँ मज़हब इस्लाम की खातिर, मैं पैदा ही हुआ हूँ मज़हब इस्लाम की खातिर, मैं अपनी जान दे दूंगा नबी के नाम की खातिर, मैं अपनी जान दे दूंगा नबी के नाम की खातिर। अब ये शेर पेश करता हूँ मौलाना मक्की साहब, तवज्जो चाहूंगा आपकी तकरीर और दिल खैराबादी का ये मिसरा मुलाहिजा फरमाए। ये तख्तो ताज सूरज चांद सबको मार दी ठोकर, ये तख्तों ताज सूरज चांद सबको मार दी ठोकर, ये तख्तों ताज ये तख्तों ताज सूरज चांद सबको मार दी ठोकर, सबको मार दी ठोकर, रसूलुल्लाह ने अल्लाह के पैगाम की खातिर, रसूलुल्लाह ने अल्लाह के पैगाम की खातिर, रसूलुल्लाह ने अल्लाह के पैगाम की खातिर। ये चार मिसरे मैंने हजरत मक्की साहब का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ताकि उनकी तवज्जो इधर हो, पता नहीं किधर किधर उनकी तवज्जो जा रही है। मेरा मिसरा भी करवटे बदलता कहां से कहां पहुंच रहा है, फिर भी मैं उसी लाइन पे आ रहा हूं। एक बात और आपने कही थी, उसको भी जहन में रखिए, लोगों की नजर करता हूं, ये मतलब मुलाहिजा फरमा लें, सुनिएगा। किसी ने मुसलमान के सीने में मुसलमान, बोले सुभान अल्लाह, तैयार हो जाए। किसी ने मुसलमान के सीने ने मुसलमान के है कुरान सलाम, सीने दे मुसलमा के सीने दे मुसलमा के कुरान सलाम, सीने दे मुसलमा के है कुरान
सलाम कुरान की बरकत से, कुरान की बरकत से है ईमान सलाम, कुरान की बरकत से। अब ये शेर सुभान अल्लाह, ये शेर हजरत आपने फरमाया जब तक इस रूए जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा कयामत नहीं आएगी। अब ये बंदा शेर हाजिर करता है, आपकी तवज्जो मुलाहिजा फरमा ले कि कुरान सलाम। मौलाना तारिक उमर साहब, कुरान सलाम होंगे न मुसलमान तो दुनिया भी न होगी, होंगे न मुसलमान तो दुनिया भी न होगी, होंगे मुसलमान तो होंगे न मुसलमान तो दुनिया भी न होगी, होंगे न मुसलमान तो दुनिया भी न होगी, दुनिया भी है जब तक है मुसलमान सलाम, सुभान अल्लाह, जब तक है दुनिया भी है जब हजरत का बयान और ये शेर सुभान अल्लाह। दोबारा पढ़ लो, क्या गारंटी कि दोबारा में समझ में आ जाए। बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह, माशाल्लाह। इफ्तिखार भाई आप ही हैं तो सुनिए, होंगे न मुसलमान तो दुनिया भी न होगी, होंगे न मुसलमान तो दुनिया भी न होगी, दुनिया भी है जब तक है, दुनिया भी है जब तक है मुसलमान सलाम, दुनिया भी है जब तक है मुसलमान सलाम, दुनिया भी है जब तक है। आइए हजरात, अब मेरे बाद इंशाअल्लाह एक अजीम खतीब जो आबरूए खैराबाद हम सबके बड़े मोहसिन करम फरमा हजरत मौलाना अलहाज मुफ्ती जावेद अख्तर साहब अल कासमी दामत बरकातहुम का खिताब होना है। इंशाअल्लाह आपके रूबरू होंगे हजरत वाला और फिर इंशाअल्लाह आपकी भरपूर मुझे खिदमत करनी है। आइए एक कलाम के चंद मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें। जी इरशाद साहब, खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। अबरार भोसवी साहब, आपके इलाके की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान ज़ियाउद्दीन है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ज़ियाउद्दीन भाई, एक मतलब पढ़ता हूँ, अगर आपकी महफिल में पढ़ दूं ये मतलब।